तो आज हमारे पास जो ऑप्शन है स्लाइड मास्टर के अंदर स्लाइड शो का है। स्लाइड शो बिगिनिंग फ्रॉम बिगिनिंग, तब जानते हैं जैसे कि हमें पहली स्लाइड से रन कराना, डायरेक्ट आप इस पर क्लिक कर दीजिए। शॉर्ट कमांड वैसे F5 भी होती है, तो ये पैरेलली जो है क्या है रन होनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। और एस्केप से मैं बाहर आता हूँ। फ्रॉम करंट स्लाइड, कई बार क्या होता है, कई बार हम चाहते हैं कि वो ना स्लाइड पहली स्लाइड से रन होनी स्टार्ट ना हो, हम चाहते हैं कि अगर मैं थर्ड नंबर पे हूँ तो मेरी स्लाइड ना थर्ड नंबर से चलनी स्टार्ट हो जाए, जिसका मैंने आपको शॉर्टकट बताया था Shift+F5। देखने से यहाँ पर शॉर्टकट भी आएगा Shift+F5, और F5 से बिगिनिंग से पहली स्लाइड चलनी स्टार्ट हो जाए। करंट का मतलब जिस पेज पे अभी मैं हूँ वहाँ से चलनी स्टार्ट हो जाएगी, देखना। तो यहाँ से ये रन होनी क्या है, स्लाइड जो हमारी रन होनी स्टार्ट होगी, देख रहे हो। ये इस तरीके से कल मैंने आपको यही अलग अलग एनिमेशन के इफेक्ट मैंने आपको बताए थे, इसमें किस तरह से एनिमेशन इफेक्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। उसमें मैंने कुछ पिक्चर वगैरह भी यहाँ पे यूज की थी, जिसमें क्या है कि आप एक फोटो एल्बम की तरह यहाँ पे अपनी इमेजेस को एडजस्ट कर सकते हो। तो एस्केप से भी कर मैं बाहर आता हूँ, हम वापिस आते हैं। फर्स्ट स्लाइड ब्रॉडकास्ट को आप छोड़ दीजिए, इंटरनेट का ऑप्शन होता है। अगला है कस्टम स्लाइड शो। कस्टम स्लाइड शो, कस्टम माने क्या, खुद से, जैसे मेरे पास अभी टोटल स्लाइड कितनी है, अगर आप यहाँ देखें मेरे पास टोटल जो स्लाइडों की संख्या है वो 10 है, ठीक है। 10 में से 5 स्लाइड को मैं एक अलग क्लास के लिए क्रिएट कर देता हूँ। जैसे मैं कस्टम स्लाइड पे आया तो यहाँ न्यू पे क्लिक कीजिए, और यहाँ ना इस तरह का ऑप्शन आएगा, एक विंडो ओपन हो जाएगी इस तरीके से, डिफाइन कस्टम शो। इसका नाम मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि जो मेरी जो स्लाइड है सिटाफ, सिटाफ के क्या है, इसे सिटाफ PPT है मेरे पास, तो इसको मैं ना इधर ऐड करूँगा। पहला स्लाइड चाहिए इसमें से मुझे, दूसरे नंबर पे मुझे बेस्ट ऑफ लक ये वाली स्लाइड चाहिए, तीसरे नंबर पे मैंने कंप्यूटर को ले लिया, डिफरेंस ये ले लिया। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे 6 स्लाइड में इधर ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे 6 स्लाइडों का मैं यूज करूँगा, इधर इनपुट डिवाइस इसको मैंने इधर ले लिया, और इसको मैं करूँगा ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक कस्टम शो में आगे नहीं आ गया, जो मैंने अभी यहाँ पे डिफाइन करी है स्लाइड। अगर एडिट करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करके ना आपने एडिट कर सकते हो स्लाइडों को, कोई डिलीट करनी है हटानी है, से मुझे 5 नंबर स्लाइड हटानी है, इसको मैं क्या रिमूव कर दूंगा, हट जाएगी। इसको सबसे ऊपर लेके जाना है तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, ले देखिए ऊपर जाने के लिए ऑप्शन दिखा रहा है, बटन बने हुए हैं इधर। नीचे लाना स्लाइड को, कौन से नंबर पे कौन स्लाइड लेनी है, तो आप इनको ना सेट भी कर सकते हो एक सीक्वेंस ऑर्डर में। आप इनको जो स्लाइड आपको पहले चाहिए वो वहाँ पे सेट हो जाएगी, तो यहाँ से आप इन्हें सेट भी कर सकते हो। ओके दीजिए, इसमें है अगर ये यहाँ से हटाना है आपको तो यहाँ से रिमूव कर दीजिए, हट जाएगा। इसकी कॉपी करनी था, वहाँ से इसकी कॉपी भी डुप्लीकेट कर सकते हो, पर मैं ऐसा अभी कुछ नहीं करने वाला, मैं डायरेक्ट शो पे क्लिक करूँगा। तो आप देखेंगे जो मैंने 5 स्लाइड ली है ना यहाँ पे, बस वही चलेंगी इधर। मैं एंटर करता हूँ, जो मैंने 5 स्लाइड यूज की है बस यहाँ पे ना वही स्लाइड हमारी रन होंगी, बाकी यहाँ पे रन नहीं होंगी। मैं एंटर करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, जब मैं बाहर आ गया ना तो 5 स्लाइड ही चली यहाँ से। तो ये है कस्टम स्लाइड ना, आप खुद से भी स्लाइडों को ना, बहुत सारी स्लाइडें हैं जिनमें से मैन मैन स्लाइड आपने क्या करा, जो स्टाफ के लिए हो सकती हैं या बच्चों की क्लास के लिए अलग आपने क्रिएट कर सकते हो यहाँ से। तो ये इसलिए ऑप्शन हमारा क्या है, काम आता है। और जब पहली स्लाइड चलानी तो आप यहाँ से रन कर दीजिए, वो पहली स्लाइड से चलनी क्या है वो रन होनी, हमारी स्लाइड यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी फिर से। तो कस्टम का मतलब कुछ सेलेक्टेड स्लाइड को क्या है यूज करना, वहाँ पे आसानी से उनको क्या, फिर हम आसानी से उन्हें हम प्रयोग में ला सकते हैं। मैं एस्केप से एक बार बाहर आ जाता हूँ। उसके बाद देखिए इसमें है सेटअप स्लाइड शो, इस पर क्लिक कीजिए, एक विंडो और यहाँ पे ओपन होगी इस तरीके से। शो स्लाइड, ये हमसे यहाँ कुछ रेडियो बटन आ रहे हैं जिनमें से हमें शो स्लाइड पे हमसे यहाँ मैसेज जो है, या तो मैं सभी स्लाइड को रन कराऊँ स्लाइड में शो कराने के लिए, तो मैं सबको चलाऊँ, या फिर मैं उनकी संख्या डिसाइड कर सकता हूँ कि भाई एक से लेकर क्या तक चलें स्लाइड, 5 तक चलें, या फिर जो भी मैंने कस्टम, अभी मैंने जो कस्टम जो मैंने PPT यहाँ पे अभी तैयार किया था कस्टम स्लाइड शो से, उनको भी मैं यूज कर सकता हूँ। तो चलिए हम मान के चलते हैं कि हम कस्टम वाला यूज करने वाले हैं, और एक ऑप्शन है शो ऑप्शन लूप कंटिन्यूसली अनटिल एस्केप। अगर मैं इस पर ओके कर देता हूँ
तब इसके इफेक्ट देखना। ओके कर रहा हूं मैं इस बटन को, यहां से इसको लूप माने लगातार रिवर्स, उसी में वो क्या है चलती रहेगी, बाहर नहीं आ सकते जब तक मैं एस्केप प्रेस नहीं करूंगा। तो देखना आप, मैं F5 कर देता हूं, F5 हमने कर दिया तो स्लाइड हमारी चलनी स्टार्ट हुई। अब मैं आप एंटर करूंगा, आप देखना मैं एंटर आप प्रेस करते रहिए, आप इन्हें स्लाइड से बाहर नहीं आ सकते। मैं वहीं क्यों घूम रहा हूँ देख रहे हो, मैं स्लाइड से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, ये नहीं आ पा रहा ना। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एस्केप की प्रेस कर दूंगा तभी मैं बाहर आ सकता हूँ यहाँ से। इसको यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक बार दोबारा से मैं आ रहा हूँ ट्रांजिशन ऑप्शन पे, और जो मैं इसे ऑटोमेटिक चला रहा हूँ ठीक है, हर एक सेकंड में अप्लाई टू ऑल मैं इसे कर रहा हूँ। यहाँ से वापस मैं स्लाइड शो पे आऊँगा, सेटअप पे जाएंगे फिर से, और ये मुझे स्लाइड चलानी है, लूप पर क्लिक कर दिया और ओके कर दीजिए और F5 प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से। तो आप देखेंगे हर सेकंड में स्लाइड जो है ना ऑटोमेटिकली यहाँ रिपीट होती रहेंगी। देख रहे हो वापस रिपीट होने लगी। तो ये ऑप्शन उसलिए काम आता है, हम चाहते हैं कि कोई चीज ना लगातार स्लाइड जो रिपीट होती रहे, वो खत्म ही ना हो, वो चलती रहे फिर खत्म हो, फिर दोबारा स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए ना फिर ये ऑप्शन हमारे यहाँ से चलाए जाते हैं, तो उसके लिए ये ऑप्शन ही चलता है आपका, ये वाला, बस इसको आप यहाँ से सेट कर सकते हो। एक इसमें शो विदाउट एनिमेशन, आप विदाउट एनिमेशन चाहते हो तो विदाउट एनिमेशन शो हो जाएगी आपकी। शो विदाउट नरेशन, जैसे आवाज वगैरह आती है इसमें, इफेक्ट वगैरह आते हैं वो सारे हट जाएंगे। तो मैं इसमें ये हमारा अधिकतर काम का होता है इसमें ऑप्शन, इसको ओके कर दीजिए। बाकी तो ऑप्शन इसमें डिस्प्ले मॉनिटर अलग अलग के लिए हम यूज करते हैं, इसका यूज नहीं है हमारे लिए। और मैं चाहूँ तो सभी को रन करना है तो मैं ऑल पे क्लिक कर दूंगा, सारी स्लाइड जो है अब देखना सारी स्लाइड यहाँ से रन होनी स्टार्ट हो जाएंगी, फिर से ये अपने आप चलेंगी, लगातार चलेंगी सारी स्लाइड ऑटोमेटिक हर एक सेकंड के बाद, क्योंकि यहाँ तो एनिमेशन मैंने सेट कर रखा है। देखिए अब सारी स्लाइड चलेंगी इस तरीके से, स्लाइड रन होगी इस तरीके से। हम क्या है स्लाइडों को कॉन्टिन्यू लूप में रख के भी उन्हें क्या कर सकते हैं, लगातार उन्हें रिपीट हम करा सकते हैं। आगे आ जाइए, अगला है हाइड स्लाइड। जैसे अब इनको मैं शॉर्ट करूंगा, देखना शॉर्ट के लिए ऑप्शन आपको यहां होता है, चार बटन बने हुए इधर स्लाइड शॉर्टर, इस पर क्लिक कर दीजिए तो आपकी स्लाइड ना शॉर्ट हो चुकी है। अब इसका कमाल देखिए, बहुत जबरदस्त, आप चाहते हैं कि भाई पहले नंबर पर ना ये वाली स्लाइड चलनी चाहिए, तो इसको ना ड्रैग कर दूंगा मैं इधर, इसको नीचे ड्रैग कर दो वो, और इसको मैं इधर ले आता हूँ, इसको पीछे ले जाओ, इसको भी पीछे रख दो, माउस से ड्रैग कर सकते हो सीधा, इन पोजीशन चेंज कर सकते हो, कौन सी स्लाइड पहले लेनी वो आ जाएगी अपने आप ही। जैसे मैं चाहता हूँ ये डिलीट हो जाए पिक्चर वाली, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, चाहता हूँ कि सेकंड नंबर पे आ जाए, इसको यहाँ पे आगे ड्रैग कर दीजिए, तो इसको पीछे ड्रैग करो ये अपने आप आगे आ जाएगी, पोजीशन रिप्लेस होगी, पोजीशन चेंज करा दी हमने। इसको मैं पीछे ड्रैग कर देता हूँ और इसको और पीछे ले जाता हूँ, तो इस तरीके से इनकी पोजीशन को भी हम चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शॉर्टर की सहायता से। अब मान लो हाइड करना थी स्लाइड, कोई दिखानी नहीं है स्लाइड जो अनयूज की है वो हमें नहीं दिखानी, तो जैसे मुझे स्लाइड हाइड करनी है, आप क्लिक कीजिए हाइड हो जाएगी, एक क्रॉस लग जाएगा, तीन नंबर स्लाइड हाइड हो चुकी है। जैसे मुझे ये वाली स्लाइड नहीं दिखानी है, इसको मैंने हाइड कर दिया, एक मुझे ये नहीं दिखानी है, मैंने इसको हाइड कर दिया। देखना मैं F5 जैसी करूंगा, जो हाइड कर दूंगा तो दिखेंगी नहीं, इसमें पहले नंबर स्लाइड आगे नहीं आएगी ऑटोमेटिकली हमारी, ये वाली जो हमने हाइड कर दी है वो तो आपको नजर इधर नहीं आएंगे, और जो हमने हाइड नहीं किए वो सारी स्लाइड आपको कॉन्टिन्यू यहाँ पे दिखने लगेंगी आपको, ये देखिए इस तरीके से फिर से वहीं पे आ गए रिपीट होके। और बाहर आने के लिए क्या करना होगा, एस्केप करना होगा तभी आप बाहर आ सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ सेटअप स्लाइड में ना लूप सेट किया हुआ है पहले से। दूसरा, जैसे अनहाइड करनी है स्लाइड तो कंट्रोल ए कीजिए, हाइड कीजिए एक बार सबको, फिर अनहाइड कर दीजिए, ये शॉर्ट तरीका बहुत ज़बरदस्त। आप एक एक करके करेंगे तो बहुत टाइम लग सकता है, मान लो ज़्यादा हाइड कर रखी हैं तो एक एक करने में आपको टाइम लग सकता है, इसलिए कंट्रोल ए करके एक बार हाइड करो फिर अनहाइड कर दीजिए, सारी क्या है अनहाइड हो जाएंगी। अब है टाइम रिसर्च, टाइम रिसर्च। अब देखना इसमें मैं क्लिक करता हूँ, जब तक मैं एंटर नहीं करूँगा ना तब तक ये स्लाइड मुझे इतने टाइम तक ही दिखेगी। मैंने एंटर करा तो उसमें मतलब इफेक्ट ना इतने टाइम के बाद ही इफेक्ट दिखाई देगा मुझे। फिर मैंने क्या करा, मैंने फिर एंटर प्रेस कर दिया, तो मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो 14 सेकंड तक वो स्लाइड चली, तो स्क्रीन पर ना
हमें क्या है, हमने एक टाइम सेट कर देंगे कि इतने टाइम तक ना ये स्लाइड मुझे दिखनी चाहिए, जैसे 10 सेकंड, 5 सेकंड, मैंने एंटर जैसे ही करूंगा अगली स्लाइड दिख जाएगी। तो देखो वहाँ पर टाइम रिकॉर्ड हो रहा है, 32 सेकंड का हो चुका है अब तक। फिर मैंने क्या करा, मैंने एंटर कर दिया, इतने टाइम मुझे ये दिखानी है, जैसे मान लो ये 7 सेकंड दिखानी है, फिर एंटर किया, अगली स्लाइड नहीं दिख रही है, तो एंटर किया हमने, इतने टाइम बाद ये इफेक्ट दिखे, इतने टाइम बाद ये वाला इफेक्ट आए, कुछ कुछ सेकंड का टाइम जो वहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ एंटर से। मैंने एंटर किया तो हमने ना इनका टाइम जो है ना यहाँ से हम सेट कर दिया, मैंने जो 3 सेकंड मैंने इसको दे दिया, फिर मैंने एंटर किया, एंटर किया, एंटर, और देखना मैं एस्केप करेंगे इस पर हम बाहर आने के लिए, एस्केप प्रेस करो, इसे यस जरूर करना है ना। टोटल टाइम फॉर द स्लाइड शो इतने टाइम, डू यू वांट टू कीप, क्या आपको सेव करना है, रखना है इसमें, यस yes कर दीजिए। आप देखेंगे ना टाइम सेट हो चुका है, 17 सेकंड, 14 सेकंड, 8 सेकंड, 15 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, तो ऑलमोस्ट सब पे आ गया टाइम। अब देखना मैं F5 करूंगा ना, ये उतने टाइम बाद अपना अभी रन होंगी स्लाइड, उससे पहले रन नहीं हो सकती, जितना मैंने टाइम बाद एंटर कराया ना उतने ही टाइम पे अपना आप चलेगी ऑटोमेटिकली। देखिए इतने टाइम बाद मैंने यहाँ पे टाइम सेट कर रखा है, अगली स्लाइड उतने सेकंड बाद ही अपना अपना रन हो जाएगी बाय डिफॉल्ट, इसके बाद तुरंत रन होगी ये वाली स्लाइड, इसके साथ हमने कुछ सेकंड सेट कर रखा था वहां पे। तो इस तरीके से ना मैं टाइम भी सेट कर सकता हूँ स्लाइड ऊपर, 10 सेकंड, 5 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, यहां से आप सेट करके इस तरीके से स्लाइडों को आप खुद से क्या टाइम सेट करके भी उन्हें एक टाइम टू टाइम इतने टाइम बाद वो रन हो वो भी हम सेट कर सकते हैं यहाँ से। तो देखो उतने टाइम बाद ही क्या ये रन हो रही है स्लाइड मेरी अपने आप ऑटोमेटिकली, मैं भी एंटर तो प्रेस नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हम टाइम भी सेट कर सकते हैं, और मैं एस्केप बाहर आने के लिए मैं क्या करता हूँ एस्केप की प्रेस कर दूंगा। जब लगता है कि आपको टाइम हटाना है सबसे नहीं चाहिए हमें, तो वो ये कंट्रोल ये करेंगे, यहाँ रिकॉर्ड नरेशन के अंदर एक ऑप्शन हमें इधर दिखाई देगा, क्लियर टाइमिंग ऑन ऑल स्लाइड, इस पर आप ओके कर दीजिए। यहाँ से मैंने इनको क्या है क्लियर कर दिया है, देखो सबका टाइम हट गया, वही सीक्वेंस नंबर मुझे क्या दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली। अब आ जाइए रिकॉर्डिंग स्लाइड, स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगिनिंग, जैसे अभी मैं आपको क्लास ले रहा हूँ, इसको मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ इस लेक्चर को, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, सेलेक्ट वट यू वॉन्ट टू रिकॉर्ड बिफोर यू बिगिनिंग रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये ऑप्शन कुछ दे रखें चेक, इस पर हम इसमें टाइम का भी यूज करना है और नरेशन लेजर पॉइंटर का भी, तो यहाँ पे आप इसे स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर दीजिए। तो अब यहाँ पे ना हमारा जो मैं स्लाइड यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ वो यहाँ पे ना चलनी स्टार्ट होगी। अब मैं यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, अब इसमें कुछ ऑप्शन आएंगे, कौन सी स्लाइड पर जाना डायरेक्ट आपको, 9 नंबर स्लाइड पर जाना, मैं 9 नंबर पर आ गया, मैं राइट क्लिक किया, कस्टम पे चलना है, इस टॉप पीपीटी वाली आपने स्लाइड बना रखी है उन पे जाना है, इस पर क्लिक कर दीजिए, वो स्लाइड क्या है यहाँ पे रन होनी स्टार्ट हो जाएंगी। आपको यहाँ पे जैसे कोई लाइन हाईलाइट करानी है, सर्कल करके दिखानी है, तो राइट क्लिक करके है ना पॉइंटर होते हैं, ये तो इतना काम का नहीं है, इस पर आइए, जैसे आपको पेन का यूज करने की आवश्यकता है इधर, तो आप ना पेन से ना किसी लाइन को यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा सकते हो, इस तरीके से आप चेक लगा सकते हो पढ़ाते समय, आप सर्कल में दिखा सकते हो। हटाना है ये, राइट क्लिक करेंगे पॉइंटर और क्लियर ऑल इंक पेन सारे हट जाएंगे। हाईलाइटर करना है, हाईलाइटर भी इधर है, इधर आएंगे हाईलाइटर हमें दिखा रखा है, अब हाईलाइट किसको करना है, जैसे मान लो ये जो लाइन हमें हाईलाइट करके दिखानी है इस तरीके से, ये हमने क्या करा हाईलाइट कर दिया उनको, करते नहीं इस तरीके से पढ़ाते समय हम इनको, जैसे ऑनलाइन क्लास चलती है तो आपने हाईलाइट कर देते हैं जो कोई इंपॉर्टेंट वर्ड हो हमारा, ये हमने वर्ड में भी समझा था। हाईलाइटर कलर चाहो तो आप चेंज भी कर सकते हो, इधर आइए, इसे मैं ऑल इंक पे क्लियर कर देता हूँ राइट क्लिक, और यहाँ ऑप्शन है अगला इंक कलर, जैसे मैं यहाँ पे ग्रीन कलर हाईलाइटर का यूज करना चाह रहा हूँ, आप अलग अलग कलर भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे जाके इसका कलर जो है मैंने ये ले लिया, तो इसमें कलर भी आप चेंज कर सकते हो। पेन की आवश्यकता है किसी लाइन को हाईलाइट कराने के लिए, पेन यूज कीजिए और पेन में सर्कल के थ्रू से आप दिखा दीजिए, किसी भी क्रॉस लगाना है, डू एंड डोंट्स दिखाना है, वो आप यहाँ से आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हो स्लाइड को। ठीक है मैं एंटर करता हूँ, तो इसमें ना रिकॉर्डिंग तो हो चुकी है, वो मैं आपको रिकॉर्डिंग आफ्टर क्लास दिखाऊंगा, जो मैंने बोला है ना उसमें सारा रिकॉर्ड हो चुका है अब तक, जो मैंने बोला है वो सारा इसमें क्या है वो रिकॉर्ड है। इसके बाद से मैं क्या करूँगा,
आप चाहे तो आप क्लिक करके भी ना स्लाइड को रन करा सकते हो डायरेक्ट। देखो नेक्स्ट, देखो ना नेक्स्ट पे क्लिक करके इससे भी आप एरो का यूज भी कर सकते हो। तो इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ और यहाँ से की पे मैं क्लिक करूँगा और बस अब मैं आऊँगा ऐसे करके बाहर आ जाता हूँ। अब ये जो यहाँ पे लाइन रहेगी है ना, इधर ये जो ऑप्शन इधर रह गया आप देखेंगे स्पीकर के ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे स्पीकर आ रहा है, यहाँ पे स्पीकर आ रहा है, इसका मतलब इसमें ना रिकॉर्डिंग हो चुकी है। यहाँ पे जो लाइन आ गई है ना डबल क्लिक कीजिए आपसे ना अभी हटेंगी नहीं। अभी जो लाइन है ना इन आप हटा नहीं सकते यहाँ से, ये जो हाईलाइट हो गया है क्रॉस लग गए हैं अभी हटेंगे नहीं। एक बार देखिए दोबारा रन करते हैं शिफ्ट F5। अगर मैं इसे हटाने का प्रयास करता हूँ, अच्छा इसमें टाइम सेट है उसको मैं हटा देता हूँ। ट्रांजिशन पे आइए, अप्लाई टू ऑल कीजिए यहाँ पे और यहाँ पे शिफ्ट F5 हम करते हैं। तो इसमें मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं देखो ऑप्शन बंद हो गए ना अपने आप ही। तो एक बार यदि आपने यूज कर लिया ना आप पेन वगैरह चला दिया या फिर हाईलाइट कर दिया, अगर आपने वो सेव कर दिया फिर हटेगा नहीं यहाँ से, वो पेज एडिट करना पड़ेगा आपको, ये भी ध्यान देना इस ऑप्शन पे। तो हम आगे आते हैं एस्केप से में बाहर। तो इसके सारे ऑप्शन समझ में आ ही गए होंगे आपको यहाँ तक किस तरह इनका यूज। अब लास्ट ऑप्शन इसमें है व्यू, तो सिंपल है कुछ नहीं है व्यू। व्यू में जो काम की चीज है वो समझ लीजिए बस, इसमें एक ही ऑप्शन है जो लास्ट है। बाकी इसमें ग्रे कलर हैं, जैसे कलर जैसे होता है ना हम ब्लैक एंड वाइट दिखाना चाहते हैं वो आप यहाँ से इनका यूज कर सकते हो, ये ऑप्शन यही है व्यू में। स्लाइड सॉर्टर मैंने आपको बताया है नीचे ये ऑप्शन दिखते ही है मुझे, ये चार ऑप्शन ना यहाँ दिखते हैं। नॉर्मल में क्या है नॉर्मली स्लाइड दिखेंगी, सॉर्टर में इस तरह दिखती हैं, नोट पेज इस तरह पेज आएगा, जैसे हम प्रिंट निकालते हैं ना कई बार उसका नोट लिखने के लिए कुछ एरिया होता है। रीडिंग व्यू में पेज इस तरह जैसे हम स्लाइड रन कराते हैं वहाँ पर हमारा पेज इस तरह दिखेगा। खाली देखने के हमारे पास अलग प्रेजेंटेशन तरीके हैं। इसमें जो मेन है वो है स्लाइड मास्टर, ये है सबसे जबरदस्त ऑप्शन, इसमें इस पर क्लिक कीजिए। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको ना एक PPT दूसरी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको कंप्यूटर में जाना है और वहाँ पे ना XI नाम से या PPT नाम से ना एक फोल्डर मिलेगा आपको बाहर ही, और P प्रेस करना, ये रहा PPT फोल्डर। उसमें ना कुछ PPT है पहले से मैंने डाल रखी, हर सिस्टम में मैंने पहले से कॉपी पेस्ट कर रखा है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसे कमाल देखना। अगर मान लो मैं चाहता हूँ कि देखिए सब में ना जितनी भी स्लाइड है हर एक के हेडिंग में क्या सेट है, कलर सेट है ना जो मेन हेडिंग है। अब ये स्लाइड कितनी है पता है आपको, 63 स्लाइड है टोटल, देखो 63। अगर मैं चाहता हूँ इनका जो कलर है ना वो ब्लैक हो जाए वापस, अगर मैं एक एक को हटाऊंगा ना तो बहुत मेरा टाइम लग जाएगा इसमें, मेरा बहुत टाइम जाएगा। तो इस काम को देखना मैं कैसे हटाऊंगा, स्लाइड मास्टर इसलिए ही यूज होता है एक जैसा इफेक्ट सारी स्लाइड ऊपर नीचे तक डालने के लिए। तो यहाँ व्यू ऑप्शन पे आना है, स्लाइड मास्टर पे हम जाएंगे, पहली स्लाइड सेलेक्ट करना ध्यान देना इस पे, ये नहीं छेड़नी है आपको, यहाँ पे क्लिक करना है इसमें, इसको क्लिक कीजिए। देखने से मैं कलर चेंज करूँगा सारे कलर चेंज हो जाएंगे नीचे तक के। होम पे आऊँगा, इधर गया और मैंने से कलर कर दिया ब्लैक, तो आप देखेंगे सबका ब्लैक हो गया, सबका ब्लैक हो चुका है। मैं एक बार बाहर आऊँ स्लाइड मास्टर करता हूँ क्लोज, कहाँ से आप यहाँ से इसे क्लोज कर दीजिए तो सबका ब्लैक हो गया नहीं कलर एक बार में ही। एक बार में से F5 करके रन करके देखता हूँ, कोई एनिमेशन तो यहाँ अप्लाई नहीं है। देखो यहाँ पे एनिमेशन भी इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई है पहले से ही, और देखो सब पे एक जैसा इफेक्ट दिखाई देगा आपको, सेम आ रहा है ना सब पे सेम आएगा, ये देखिए सब पे सेम आ रहा है। अब मैं एनिमेशन इफेक्ट को हटाना चाहता हूँ, इससे मुझे दूसरा इफेक्ट चाहिए। वी ऑप्शन पे आए, क्या आएंगे स्लाइड मास्टर पे, इसके इफेक्ट को हटाना होगा आपको। अब इफेक्ट हटेगा कैसे, कहाँ से हटाएगा, एनिमेशन है इसमें लगा हुआ है और यहाँ पे नन कर दीजिए हट जाएगा इफेक्ट, या फिर यहाँ पे आइए एनिमेशन पेन पर, यहाँ पे क्या करते हैं हम कई बार यहाँ से नहीं हटता है तो क्या करना है, यहाँ आना है और इसके इफेक्ट को यहाँ से सॉरी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है ऑप्शन मुझे, तो एक बार मैं इसे ना रन करके देखता हूँ। एक बार मैं इसे करता हूँ यहाँ से क्लोज लाइट मास्टर को, F5 करते हैं, अभी भी इफेक्ट अप्लाई है इधर, इसके इफेक्ट को मैं हटाता हूँ। तो क्या करेंगे हम इन सब पर से इफेक्ट को हटाने के लिए, हमें एनिमेशन पेन पे आना है, ठीक है एनिमेशन पेन पे आना है और यहाँ इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे एक बटन आएगा, इस बटन में ये ऑप्शन दिखाई क्यों नहीं, तो इसको यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ सीधा, डिलीट नहीं हो रहा है एक सेकेंड, दोबारा देखते हैं इधर एनिमेशन पेन,
तो ये ना आपको क्या करना है, स्लाइड मास्टर पे ही मतलब यहाँ पे लाना पहले ये, जैसे मैं आ गया स्लाइड मास्टर पे, तो इसके इफेक्ट हटाने के लिए आपको यहाँ आना है। एक बार दोबारा देखो, इसमें कन्फ्यूजिंग पॉइंट आ गया होगा आपके सामने। जैसे मुझे इफेक्ट इसका हटाना है, क्योंकि इसमें स्लाइड मास्टर अप्लाई है पहले से ही, तो हटाने के लिए आप इसे हटाने का प्रयास करोगे ना एनिमेशन पे आके, तो ये ना आपसे तुरंत ना इस मोड को बोलेगा कि व्यू स्लाइड मास्टर, इस पर क्लिक कीजिए, यहीं आ गया वापस, तो यहीं से हटेगा ये, जहाँ से लगा है इस पर क्लिक कीजिए और रिमूव कर दीजिए, हट गया ना। इसको सेलेक्ट कीजिए सेकंड वाले को और यहाँ से भी एनिमेशन इफेक्ट को रिमूव कर दीजिए, अब कम कर देंगे क्लोज, और देखना मैं F5 से रन करूँगा तब कोई भी इफेक्ट दिखाई नहीं देगा आपको, नहीं आ रहा ना। अब देखना मैं इफेक्ट एक साथ कैसे इन पर अप्लाई कर दूंगा, सब पे जितने भी स्लाइड नीचे तक है। एनिमेशन हमें कहाँ आना है, व्यू स्लाइड मास्टर, इसको सेलेक्ट करेंगे, पहले इस फर्स्ट वाले सेलेक्ट कीजिए, फिर इस पे क्लिक कीजिए और मैं आ रहा हूँ एनिमेशन पे। मैं इसकी बजाय मैं यहाँ आता हूँ और मैं यहाँ मैंने क्या रैंडम बार इस पे अप्लाई कर दिया, इफेक्ट इस पे अप्लाई हो चुका है, यहाँ दिख जाएगा 1। अब आएंगे इस वाले को सेलेक्ट कीजिए, जो उसके नीचे सब हेडिंग को सेलेक्ट करेंगे और इस पे मैं जब इफेक्ट अप्लाई कर देता हूँ, मैंने जैसे हमने ये इफेक्ट डाल दिया टीटर्स, ठीक है, कुछ नहीं करना है। अब ये इफेक्ट सब पे आ गया है, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, क्या करना है बस स्लाइड मास्टर कहाँ से क्लोज कर दीजिए। अब मैं F5 करूँगा, देखेंगे जैसे मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ उसी हिसाब से मुझे क्या है उनके इफेक्ट दिखाई देने, हर एक स्लाइड पे बिल्कुल सेम ही इफेक्ट हमें दिखाई देगा। तो स्लाइड मास्टर इसलिए यूज किया जाता है ताकि आपको ना बार बार अलग अलग पेज पे ना एनिमेशन सेट करने की आवश्यकता नहीं, बस आप एक पेज पे सेट कर दीजिए, वो बाय डिफॉल्ट ना सेम नीचे तक सेट हो जाएगा, जब 1000 पेज होंगे ना 1000 पेज जैसा सेट हो जाएगा, इसलिए स्लाइड मास्टर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एंट्री टाइम पे भी, और सबसे एडवांस भी होता है फीचर। चलो इसका इफेक्ट हम फिर दोबारा चेंज करते हैं, व्यू ऑप्शन स्लाइड मास्टर, इस पे आते से कलर चेंज करता हूँ मैं, तो मैं आया होम टैब पे, यहाँ से कलर नहीं चलेंगे, फॉर्मेट पे चलेंगे, इसके ऑप्शन जो भी हैं यहाँ मैं इधर आता हूँ और यहाँ पे मैं ग्रेडियंट्स पे आता हूँ। चलो टेक्सचर इसे फिल कर देते हैं, ये मैंने अप्लाई कर दिया, तो आप देखेंगे ये अच्छा, देखो एक पे मैंने जैसे इस पे क्लिक किया तो ये सब पे अप्लाई नहीं हुआ, हमें क्या करना फर्स्ट पे क्लिक करके रखना है, तब हम इस पे आएंगे, इन पे नहीं करना है, फिर बता रहा हूँ मैं, नहीं तो अप्लाई नहीं होगा इफेक्ट। अब देखना मैं एक पे डालूंगा सब पे, ये इफेक्ट ना अपने आप आ जाएगा नीचे तक, देखिए आ गया ना वही कलर सेम। अब मैं आ रहा हूँ स्लाइड मास्टर को क्लोज करके बाहर, तो अभी भी जो इफेक्ट है वो हमें दिखाई नहीं दिया, दोबारा देखते हैं क्या हुआ। स्लाइड मास्टर मैंने इफेक्ट तो सब पे अप्लाई किया है, अच्छा यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, इधर आएंगे और दूसरा कलर मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे फॉर्मेट, उसके वहां से क्या है क्लोज कर दीजिए स्लाइड मास्टर को, इसके इफेक्ट यहाँ दिखाई नहीं दे रहा सब पे हमें, ऐसे कैसे कहीं कहीं पे इफेक्ट नहीं दिख रहा है, तो कंट्रोल जेड से ना बैक कर रहा हूँ मैं इसके इफेक्ट को, फिर दोबारा आ जाओ इधर, वो एक बार बीच में सेट हो गया ना इसलिए नहीं आया वहाँ पे, ये अभी भी गलत हो गया, कंट्रोल जेड से बैक पहली को सेलेक्ट करना है ना, मैं फर्स्ट को सेलेक्ट करना, वो इस वजह से दिक्कत हो रही है। इधर आइए देखो, तो आ गया ना, बीच में मत करना, बीच में तो आएगा नहीं, देखो आ गया ना यहाँ पे, और इस पर दिखाई नहीं दे रहा, बाकी सब पे ना इसका इफेक्ट हमारा आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, वही F5 करेंगे, एंटर, तो इसका ये फायदा हमें स्लाइड मास्टर बनाने का है। बाकी इसके ऑप्शन में बताता हूँ, इसमें और ऑप्शन क्या है वो मैंने पहले भी कराए थे आपको, हैंडआउट मास्टर क्या होते हैं, जिसका हम प्रिंट निकालेंगे उसमें क्या क्या चीज़ हमें दिखे, तो मैंने आपको प्रिंटिंग में समझाए भी थे उस दिन, जैसे मुझे एक पेज पे 4 स्लाइड प्रिंट करनी है तो 4 स्लाइड प्रिंट करेंगे, एस्केप कीजिए और यहाँ पे ना क्या करना होगा कंट्रोल पी कीजिए, कंट्रोल पी, ये सारे ऑप्शन यहाँ दिखते हैं मुझे, आ गया ना हैंडआउट, 6 स्लाइड एक पेज प्रिंट करके दिखानी है, तो इस तरीके से ना पहले से हम क्या है ऑडियंस को प्रिंटिंग निकाल के पहले भी दे सकते हैं। तो ये हमारा इसमें इतना ही होता है, बाकी आप इसमें कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, खुद से ग्रिड लाइन आप दिखा सकते हो अगर आवश्यकता है तो, इस तरीके से गाइड्स की आवश्यकता वैसे नहीं है। नोट मास्टर में क्या है, बस वही मास्टर्स के नोट्स होने से हम कोई चीज़ राइट करते हैं, तो इस तरीके से आप यहाँ से इन ऑप्शनों का आसानी से प्रयोग कर सकते हो। ये है हमारी आज की अंतिम क्लास पावर पॉइंट की।